अभी जन्माष्टमी तो मैंने तैयारी शुरू कर दी है जन्माष्टमी की। सबसे पहले मैं अपने भगवान की अलमारी को साफ कर रही हूँ, उसमें अबरी डाल के इसको अच्छे से क्लीन किया है मैंने। अब इसमें पेड़ लगा के हम फिक्स करेंगे, इस तरीके से हम अपनी झांकी तैयार करेंगे। ये तीनों ही अलमारियाँ मैं डेकोरेट करूँगी की, और ये तो खाली रहे क्योंकि ईवा जो है वो सामान पा लेती है, जो भी रखते हैं वो पकड़ लेती है तो वो सब खराब कर देती है, इसलिए ये वाली नहीं डेकोरेट करेंगे। ये दोनों हम करेंगे, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जब पूरा मैं अच्छे से इसको डेकोर कर देंगे। मैं प्रसाद प्रिपेयर कर रही हूँ, इसके लिए मैंने सबसे पहले ये मखाने ड्राई फ्रूट, जिसमें मखाने ही ड्राई फ्रूट सारे पंचमेवा जैसे वो सारी है सब कुछ, इस सबको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है घी में। और ये मैंने चीनी की बनाई है चाशनी, ये देखिए जिसमें से डेढ़ कटोरी चीनी है, आप देख सकते हैं डेढ़ कटोरी चीनी है ये, इससे नाप के मैंने डाली है। और इसमें आधा कप पानी डाला है मैंने, और बस देखिए चाशनी रेडी हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे इसमें हम डालेंगे इलायची, हरी इलायची, और इसको पीस के हम डाल देंगे इसमें। और मैंने पंजीर देख लिए बना लिया है, इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। ये देखिए ये मैंने आटे और रवे की मिक्स करके बनाई है, तो इसमें देखिए ये ब्राउन कलर की हो गई है, तो मतलब मेरी पंजीर बन गई है। अब ये बिल्कुल ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें चीनी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करेंगे। तब तक हम इसमें अभी अपनी ड्राई फ्रूट्स की मेवे की ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं, जो कि अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है तो मिसली और मावे और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स का तो तड़का लगेगा ही, क्योंकि यही उनका केक होने वाला है। तो ये मैं बना रही हूँ उनके लिए, और अगर आप भी चाहें तो बनाएं इसको, ये बहुत ही हेल्दी भी है खाने के लिए, और भगवान को इससे बेहतर तो केक हो ही नहीं सकता उनके लिए, क्योंकि मिसली मावे तो श्री कृष्ण जी के बहुत ही फेवरेट थे, और हम लोगों को भी बनाना चाहिए। आजकल तो मार्केट में लोग केक ले आते हैं मार्केट से, वो कट कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऑथेंटिक चीज़ें जो रियल में भगवान खाते थे, उन्हें पसंद है, तो ये हमें भोग में लगाना चाहिए, और हम लोग भी खाएंगे तो हर तरीके से ये बेस्ट है। और देखिए चाशनी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है बन के, चीनी बिल्कुल घुल चुकी है, इसकी चाशनी मई हो जाए इसकी क्या निशानी है, जब इसके तार ऐसे खींचने लगे, ये देखिए, तो मतलब ये चाशनी बन के रेडी है। अब हमें ये ड्राई फ्रूट्स डाल देने चाहिए, बस मैं इसमें डाल दूंगी। बस हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, और खाने में भी बहुत हेल्दी है, और मेरे भगवान श्री कृष्ण को तो बहुत पसंद भी है ये। अब देखिए श्री कृष्ण जी का केक बिल्कुल रेडी हो गया है, देखिए इसमें चीनी की बिल्कुल हो गई है कोटिंग, ये मीठा भी हो गया है और बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसको निकालूंगी एक प्लेट में, और आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ईवा मेरी आटे को खा गई है, जो मैंने चौक के नीचे चौक जो मैंने डाली हुई है तो इस वजह से पता नहीं तब तक मेरी चौक बचेगी कि नहीं बचेगी 12 बजे तक, जितनी बचेगी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए इस लड़की ने सारी चौक खा ली है, हाँ, मुझे लग रहा है मेरी ईवा यहाँ बैठ जाएगी क्यों ईवा कहाँ बैठोगी, ये देखिए मैंने इतना डेकोरेट कर लिया है, अब मैं लगाने जा रही हूँ इस वाली साड़ी, देखते मैं इसको क्या लुक दे पाऊंगी मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ तो अच्छा ही निकलेगा, जो भी होगा अच्छा ही। पनीरी हम देंगे तुम्हें शाम में, पनीरी खिलाएंगे, हाँ खत्म खत्म चल खत्म।
आप लोग मेरी झांकी बन के रेडी हो गई है। और ये देखिए तुलसी जी को रखा है मैंने पास में, क्योंकि कृष्ण जी की तो फेवरेट तुलसी जी। और ये पेड़ तो बहुत ही यूनिक है, ये लौंग का पेड़ है। और ये रखी मैंने डॉल, ये छोटी छोटी सी जो दरबान है कृष्ण जी की। और आप भी हमारे साथ देखिए कि कैसे हम लोग करेंगे पूजा और कृष्ण जी का जन्म। हाँ तो बताइए पापा, जो कि मुझे पापा बताने वाले हैं कि मैं पूजा कैसे करूंगी। हमारे पंडित जी आ गए हैं।
ही नहीं, मुझे तो जब